हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर, माय सेल्फ मनीष। तो यह लेक्चर नंबर फर्स्ट है जिसमें न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर वालों के लिए। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो चैप्टर है यहाँ से नया स्टार्ट हो रहा है। मैं जिस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूँ उसके हिसाब से। ठीक है, तो देखो इसमें हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, मैं जल्दी से लिस्ट आउट कर देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो न्यूक्लियर के जो संरचना है उसको दर्शाने के लिए जो मॉडल प्रस्तुत किया गया था उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें पहला जो मॉडल रहेगा वो रहेगा कोस मॉडल, जिसको इस वाले लेक्चर में अभी हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड टॉपिक रहेगा वो मैजिक नंबर रहेगा। मैजिक नंबर के बाद जो थर्ड टॉपिक रहेगा उसमें लिक्विड ड्रॉप मॉडल बता दूंगा। ठीक, उसके बाद जो चौथा लेक्चर रहेगा वो सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला, जिसको द्रव्यमान अर्धमूलानुपातिक सूत्र ऐसा भी कुछ बोला जाता है। ठीक है, तो वो वहाँ पे करेंगे। उसके बाद नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। तो इस प्रकार से 5-6 लेक्चर में ये पूरा चैप्टर ओवर हो जाएगा। ठीक है, यदि आपके सिलेबस में नया चैप्टर नहीं होगा, जो अभी तक मैं पढ़ाया हुआ हूँ उसी में कंटिन्यू होगा, तो आप लोग उसी में कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, तो देखो इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं, जो फर्स्ट जो मॉडल है कोस मॉडल उसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं हेडिंग डाल दिया, क्या लिखा हुआ है, कोस मॉडल। तो इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जो न्यूक्लियॉन है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, नाभिक बनाते हैं। और जो नाभिक बनता है उसका बारे में थोड़ा सा हमको ये पता आइडिया चल गया था कि ये जो इसका आकार बनता है नाभिक का वो किस आकार का होता है। तो क्या बताया था मैं, गोलाकार के आकार के हिसाब, मतलब गोलाकार हम लोग मान सकते हैं, पूर्णतः गोलाकार तो नहीं होता लेकिन लगभग लगभग गोलाकार मान सकते हैं। और क्या पता चला था नाभिक के बारे में, इसकी जो त्रिज्या होती है बहुत ही छोटी सी त्रिज्या होती है, 10^15 मीटर, मतलब फर्मी मीटर, इस ऑर्डर में होता है। तो ये बात हमको पता चल गया था, लेकिन ये बात पता नहीं चला था कि उसके अंदर में जो न्यूक्लियॉन उपस्थित हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हैं, वो किस ऑर्डर में वहाँ पे अरेंजमेंट है, मतलब उसका अरेंजमेंट किस प्रकार से है, वहाँ पे किस प्रकार से वो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वितरित है। ठीक है, उसका व्यवस्था क्या है वहाँ पे, ये बात हमको पता नहीं चली थी। तो उसी को व्याख्या करने के लिए ही नाभिक की जो संरचना है उसको ही समझने के लिए जो बहुत सारे मॉडल प्रस्तुत किया गया। ठीक है, जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा बहुत सारे यहाँ पे मॉडल प्रस्तुत किया गया, जिसमें 5-6 मॉडल बताया गया था, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 मॉडल ही आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, जिसमें मैं नाम बता देता हूँ कौन कौन सा है। तो देखो ये सब जो मॉडल था ना, ये सब वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें कौन कौन सा था, फर्मी का डिजर्रेट मॉडल था। ठीक है, उसके बाद और देख सकते हो, तो उसके बाद है ये अपना कोस मॉडल हो गया, लिक्विड ड्रॉप मॉडल हो गया। ठीक है, बोर का लिक्विड ड्रॉप मॉडल, उसके बाद कलेक्टिव मॉडल। कलेक्टिव मॉडल में क्या होता है, जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल है और कोस मॉडल है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। ठीक है, तो जनरली हमारे सिलेबस में नहीं है, वो एमएससी में आएगा तब रहेगा उसका। उसके बाद एक ऑप्टिकल मॉडल भी होता है, प्रकाशी मॉडल। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से मॉडल प्रस्तुत किए गए थे वैज्ञानिकों द्वारा, लेकिन हमारे सिलेबस में भी सिर्फ 2 ही वहाँ पे मॉडल पढ़ेंगे। ठीक, कौन कौन सा, कोस मॉडल पढ़ेंगे और दूसरा लिक्विड ड्रॉप मॉडल पढ़ेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब इस लेक्चर में बात करते हैं कोस मॉडल में। कोस मॉडल में देखो थोड़ा सा बड़ा है ये जो वीडियो बनेगा, लेकिन A to Z पूरा समझ में आ जाएगा, और एग्ज़ाम में यदि आता है तो आप लोग इसी फॉर्मेट में ही इसको लिखना। ठीक है, छोटा करने की कोशिश मत करना, क्योंकि इसमें पूरा A to Z शुरू से लेकर आखिरी तक जो इस मॉडल में बताया गया है वो मैं पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कोस मॉडल से। तो देखो कोस मॉडल को समझने से पहले ये समझते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो अभी बताया मैं कि नाभिक की जो संरचना है उसकी व्याख्या करने के लिए इस मॉडल को दिया गया। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, ये बेसिकली एक मॉडल ही है, न कि पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन करता है। मतलब देखो हर मॉडल में जो भी मॉडल यहाँ पे बताया गया उसमें कुछ ना कुछ जरूर ना कुछ ना कुछ कमी रहती है, मतलब पूरा वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ठीक है, किसी में कुछ उसमें सफलता था तो किसी में कुछ असफलताएँ थी, इस टाइप से, मतलब कंप्लीट व्याख्या कोई भी मॉडल नहीं करता। तो कोस मॉडल में भी ऐसी था। कोस मॉडल क्या है, एक ओवरव्यू बताता है कि हाँ नाभिक की संरचना कुछ इसी टाइप से है, कंप्लीट व्याख्या नहीं कर पाता। ठीक है, तो कोस मॉडल में क्या बोला गया, तो जैसे अभी तक हमने क्या जाना है, जो परमाणु होते हैं, तो परमाणु में क्या होता है, बहुत सारे उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि बाहरी कोस में क्या होते रहते, चक्कर लगाते रहते हैं। यदि वो जो कोस है वो पूरा कंप्लीट पूरा फिल है, मतलब पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ है, वो कोस है वो पूरा संपूर्ण फिल है, तो क्या होता है, जैसे फर्स्ट कोस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकंड में फिर कितने आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ऐसे करके यदि मान लो पूरा भरा हुआ है, तो वो जो परमाणु है वो क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा स्थायी होते हैं। और यदि मान लेते हैं उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया या 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गया, ठीक है, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे पहला कोस में, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो वो दूसरे कोस में चले जाएगा। तो अब क्या हो गया, वहाँ पर जो परमाणु बनेंगे वो कौन से होंगे, अस्थायी परमाणु बनते हैं, वो स्थायी परमाणु नहीं बनता, मतलब वो सक्रिय बन जाता है। और जो पूरा कंप्लीट फिल रहेगा वो क्या रहेंगे,
अक्रिय गैस रहते हैं, इसी को इनर्ट गैस भी बोला जाता है, आप लोग ने पढ़ा होगा छोटी कक्षाओं में, ठीक है। नोबेल गैस भी बोला जाता है क्योंकि इसका जो कोर्स रहता है वो पूरा कंप्लीट फिल रहता है, ये दूसरे से क्रिया नहीं करता क्योंकि कंप्लीट रहता है, दूसरे से क्रिया करने की जरूरत रहता नहीं है, ठीक है। और यदि एक ज़्यादा हो गया या फिर एक कम हो गया तो फिर वो सबसे ज़्यादा सक्रिय हो जाता है, किसी दूसरे से फिर उसको क्रिया करना पड़ती है। तो सेम यही प्रॉपर्टीज हमारे न्यूक्लियर में भी पाया जाता है। न्यूक्लियर में कैसे पाया जाता है, तो देखो इसमें जो मैजिक नंबर होता है, मैजिक नंबर बताया था कौन कौन सा, 50 और 82 और 126, इसको मैजिक नंबर बोला जाता है। तो ऐसे नाभिक जिनमें जो प्रोटॉनों की संख्या है या फिर जो न्यूट्रॉनों की संख्या है ये मैजिक नंबर के बराबर हो, तो वो जो नाभिक बन रहे हैं वो सबसे ज़्यादा स्थायी होते थे, समझ में आया। तो ये पहला प्रॉपर्टीज़ पता चला। दूसरा प्रॉपर्टीज़ क्या पता चला कि ऐसे नाभिक जिनमें प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या, पहले पॉइंट में क्या बोला, दूसरे पॉइंट में क्या बोल रहा हूँ ध्यान से समझना, पहले पॉइंट में क्या बोला, प्रोटॉनों की संख्या या फिर न्यूट्रॉनों की संख्या, दोनों में से कोई एक अगर यदि मैजिक नंबर के बराबर में है तो वो जो नाभिक बनेगा वो स्थायी नाभिक बनता है। लेकिन यदि प्रोटॉनों की संख्या भी मैजिक नंबर के बराबर हो जाए और न्यूट्रॉनों की संख्या भी मैजिक नंबर के बराबर हो जाए, दोनों मैजिक नंबर के बराबर हो जाए, तो वो जो नाभिक बनेगा ना वो सबसे ज़्यादा स्थायी नाभिक बनता है, ठीक है, समझ में आया। वो सबसे ज़्यादा स्थाई मतलब अधिकतम स्थाई नाभिक बनाएगा, तो ये बात समझ में आ रही। तीसरा बात क्या पता चला वैज्ञानिकों को कि जो ऐसे परमाणु जिनमें जो न्यूट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या है वो मैजिक नंबर के बराबर में है, मैजिक नंबर को स्थायित्व तो नंबर भी बोला जाता है, ठीक है, स्थायित्व तो संख्या भी बोला जाता है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। तो जो नाभिक बन रहा है उसमें प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या मैजिक नंबर के बराबर है, तो वो जो नाभिक बन रहे हैं उसके जो स्थाई आइसोटोप है वो भी सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जो नाभिक बनेगा उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या यदि मैजिक नंबर के बराबर में है तो जो नाभिक बन रहा है तो वो जो नाभिक है उसका जो स्थाई आइसोटोप है वो भी संख्या में बहुत ज़्यादा प्राप्त हो रहे थे, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट पता चला। चौथा पॉइंट क्या पता चला कि ऐसे परमाणु जो रेडियो एक्टिव सीरीज होते हैं, रेडियो एक्टिव सीरीज आप लोगों ने पढ़ा होगा, चार प्रकार की सीरीज होती है, कौन कौन सा, थोरियम सीरीज, नेपच्यूनियम सीरीज, एक्टिनियम सीरीज और यूरेनियम सीरीज, ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, यदि नहीं भी पढ़ा होगा तो जो हम लोग रेडियो एक्टिव चैप्टर पढ़ेंगे ना उसमें ये आएगा, ठीक है, तो उसको बता देंगे वहाँ पे। तो ये जो चार सीरीज होते हैं ना ये क्या होते रहते हैं, रेडियो एक्टिव सीरीज है, तो ये कुल मिला के क्या होते रहते हैं, अपना जो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए स्वतः ही अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल का उत्सर्जन करते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि ये अपने स्थायित्व को प्राप्त कर ले। तो जब ये विघटित होते हैं अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल उत्सर्जित करके, तो कुल मिला के जो मेन नाभिक बनाते हैं स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए वो कौन सा बनाते हैं, तो लेड को बनाते हैं, PB जिसका परमाणु क्रमांक 82 होता है और जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है 126 होती है। तो कुल मिला के जो परमाणु क्रमांक 82 और 126 में बोला प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या वो भी क्या है, एक सबसे मैजिक नंबर ही है, ठीक है। एक बार मैजिक नंबर को मैं लिख देता हूँ कौन कौन सा होता है, बार बार आ रहा है इसलिए। तो मैजिक नंबर कौन सा रहेगा, 2, 8, 20, 28, 50, 82 और 126, ये हमारा मैजिक नंबर है, ठीक है, मैजिक नंबर। तो जो रेडियो एक्टिव सीरीज होता है वो कुल मिला के विघटित होकर कहाँ कहाँ पे लैंड करता है, तो PB इसमें लैंड करता है, मतलब इसी में ही जब आता है आखिरी में तभी ये क्या होता है, स्थायित्व को प्राप्त करता है। तो इसी में क्यों आके स्थायित्व प्राप्त किया, क्योंकि इसका जो परमाणु क्रमांक कितना है 82 है, मतलब जेड कितना हो गया, प्रोटॉनों की संख्या 82 हो गया और न्यूट्रॉनों की संख्या कितना हो गया, तो 208 में से 82 घटाओगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी, ठीक, कितना आएगा, ये हो जाएगा 6 और 20 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 12, 126, ठीक है। तो ये देखो ये दोनों क्या है, मैजिक नंबर ही है, ठीक है, तो इसीलिए इसमें आकर उन लोग क्या करते हैं, स्थायित्व को प्राप्त करते हैं। तो ये एक पॉइंट पता चला। उसके बाद एक पॉइंट और लास्ट में ये पता चला कि ऐसे जो नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या मैजिक नंबर के बराबर हो उसका जो न्यूट्रॉन अवशोषण परिच्छेद गुणांक होता है वो सबसे कम होता है। अब ये क्या है, न्यूट्रॉन अवशोषण परिच्छेद गुणांक, मतलब कोई भी नाभिक कितना न्यूट्रॉन अवशोषण कर सकता है इसकी वो मात्रा है, मतलब मैं क्या बोला यहाँ पे लिख देता हूँ, न्यूट्रॉन अवशोषण परिच्छेद गुणांक, ठीक है। तो मान लो कोई नाभिक है उसका न्यूट्रॉन अवशोषण परिच्छेद गुणांक मान लो ज़्यादा है तो वो स्थायित्व को प्राप्त नहीं करता, मतलब
मतलब क्या है न्यूट्रॉन अवशोषण परीक्षण गुणांक, मतलब कितना न्यूट्रॉन को अवशोषण कर रहा है। तो मान लो ज़्यादा न्यूट्रॉन को अवशोषण करेगा, इसका मान ज़्यादा हुआ तो वो ज़्यादा न्यूट्रॉन को अवशोषण कर रहे हैं, मतलब क्या है वो अभी सक्रिय है, ठीक है, सक्रिय है, मतलब ज़्यादा लोग से रिएक्शन कर सकता है, तो इसलिए इसका मान ज़्यादा होता है। तो सक्रिय है इसका मतलब क्या है, वो स्थायित्व को प्राप्त नहीं कर रहा है ना, उसके स्थायित्व से वो दूर है। तो अगर इसका मान कम है, मान लो ये यदि कम है, मतलब वो न्यूट्रॉन को अवशोषण नहीं कर रहा है, ठीक है, अवशोषण नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो कंप्लीट स्थायित्व को प्राप्त कर लिया है, इसीलिए तो और अवशोषण नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे परमाणु या फिर सॉरी ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या मैजिक नंबर की जो बराबर होती है, उसका न्यूट्रॉन अवशोषण परीक्षण गुणांक जो मान है वो कम होती है, ठीक है, कम होती है, इसका मतलब वो दूसरे न्यूट्रॉन को अवशोषण नहीं करेगा। और अवशोषण क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो स्थायित्व को प्राप्त है। तो जिनका इनके बराबर में जब था न्यूट्रॉन की संख्या, तभी वो उसका मान कम आ रहा था। तो ये ऐसे कुछ प्रेक्षण प्राप्त हुए 4-5 प्रकार के, जिससे ये पता चला कि जो वहाँ पे नाभिक जो बढ़ रहे हैं उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या या तो प्रोटॉनों की संख्या इन मैजिक नंबर के बराबर में है तो सबसे ज़्यादा स्थायी होते हैं। जैसे कि परमाणु में होते हैं, परमाणु में क्या होते हैं, कोष रहता है, कोष में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, यदि इलेक्ट्रॉन पूरा फिल है, कंप्लीट है, तो वो क्या होंगे, स्थायित्व होंगे, ठीक है, समझ में आया। यदि मान लो एक ज़्यादा या एक कम हो गया तो वो सक्रिय हो जाते हैं, रासायनिक सक्रिय हो जाते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं, इसीलिए दूसरे से फिर वो क्रिया करते हैं, ठीक है। तो सेम यही प्रॉपर्टीज हमारे नाभिक में भी पाया जाता है। नाभिक में यदि मैजिक नंबर के बराबर में है न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या, तो वो स्थायित्व प्राप्त करेंगे। यदि उससे कम है, मान लो एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन की संख्या कम हो गई, तो वो फिर क्या हो जाते हैं, फिर अधिक सक्रिय हो जाते हैं। तो ये इस कोष मॉडल में बताया गया, समझ में आ रहा है कोष मॉडल में क्या हुआ, बस कंपेयर किया है परमाणु से। परमाणु में जैसे कोष होते हैं, वैसे यहाँ पे भी कोष होते हैं, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या इस मैजिक नंबर के बराबर होती है। उसमें क्या रहता है परमाणु में, तो परमाणु में 2, 8, 18 इस प्रकार से आप लोगों ने पढ़ा होगा परमाणु स्पेक्ट्रम में, ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम में पढ़े थे, तो इस प्रकार से उसमें होता है। लेकिन यहाँ पे मैजिक नंबर के बराबर में है तो वो सबसे ज़्यादा स्थायी को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया, चिंता मत करो, इसका जो नोट्स है ना, मैं इसको मैं खुद से नोट्स बना के टेलीग्राम में चैनल में डाल दूंगा, तो आप लोग उसे मैं जो बता रहा हूँ वो ए टू जेड उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप लोग को ये दिक्कत नहीं आएगा, एग्जाम में आता है तो उसी नोट्स को ही देख के आप लोग लिखना, ठीक है। तो टेलीग्राम में उसको मैं डाल दूंगा, तो आप लोग ज्वाइन हो जाना, नहीं हुए होगे ज्वाइन तो, ठीक है। तो अब बात करते हैं, देखो यहाँ तक तो थोड़ा थ्योरेटिकल समझ में आ गया, इसमें मेन क्या है, कोष मॉडल में थोड़ा थ्योरेटिकल ही ज़्यादा है, उसके बाद बाकी दिक्कत नहीं जाएगा, कहीं पे भी कठिन नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ तक समझ में आ गया, अब क्या करेंगे, अब यहाँ तक तो समझ में आ गया कि इतना सारा जो हम लोग प्रैक्टिकल जो प्रेक्षण किए उसे ये बात समझ में आया कि जो परमाणु के जैसा ही इसमें भी क्या होता है, कोष पाया जाता है नाभिक में। तो अब क्या करेंगे, जैसे उसमें क्या हो रहा था परमाणु में, अलग अलग एन के एल एम ऐसा था, याद है एन के एल एम आता था ना, एन क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और एल क्या आता था उसके बाद, एन के बाद एल आता था, एल क्या रहता था अपना, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ये रहता था। उसके बाद क्या आता था, एस भी रहता था, एस क्या रहता था, स्पिन क्वांटम नंबर, ये रहता था। तो इसी प्रकार सेम नाभिक में भी पाया जाता है, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या होता है, एन एल एस, एल और एस मिलकर क्या बनाते थे, जे बनाते थे, संपूर्ण क्वांटम संख्या, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार से नाभिक में भी एन एल और एस और जे ये सब पाया जाता है, ठीक है, जैसे परमाणु पाया जाता है वैसे इसमें भी पाया जाता है। तो इसके अब यहाँ पे ये देखेंगे कि एन का मान मान लो 0 है, तो एल का मान क्या होगा, एस का मान क्या होगा, जे का मान क्या होगा, ये सब यहाँ पे देखेंगे। जैसे परमाणु स्पेक्ट्रम में वहाँ पे बहुत सारे ऊर्जा लेवल बनते हैं, वैसी नाभिक में भी बहुत सारे ऊर्जा लेवल बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे होगा, क्या बनेगा और क्या क्या ट्रांजिशन हो सकते हैं, वो सब यहाँ पे हम लोग देखेंगे। सेम बस कंपेयर ही कर रहे हैं परमाणु से, ठीक है। तो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन देखो इसमें एक अंतर ये भी रहता है, जैसे कि परमाणु में क्या होता है, परमाणु के बीच में केंद्र में एक नाभिक रहेगा, ठीक है, जिसके बारे में भी हम लोग पढ़ ही रहे हैं। तो नाभिक हो गया, वो बीच में सेंटर में रहता है, उसके बाद बाहरी कोषों में क्या होते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो चक्कर लगाते रहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, एक बल से, मतलब केंद्र जो है वो बल लगाता है, इसीलिए वो जो इलेक्ट्रॉन है उस बल के आधार पर ही वहाँ पे चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो उस नाभिकीय बल से बंधा रहता है, ऐसा समझ सकते हो, नाभिक द्वारा मतलब केंद्र की ओर एक बल लगाता है। लेकिन ये जो बल है ना, ये नाभिक में नहीं होता, ठीक है। नाभिक में क्या होते हैं, जैसे मैं बता दूँ, ये अपना नाभिक हो गया, ये अपना कोष हो गया, ये परमाणु के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है,
ये केंद्र की ओर, मतलब केंद्र जो है ये इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगाते रहता है, इसीलिए इस बल के कारण ही ये इलेक्ट्रॉन जो है नाभिकीय जो कक्षाएं हैं, मतलब जो परमाणु कक्षा है, इसी में चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, ये जो नाभिक के बारे में अभी बात कर रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें कोई ऐसा केंद्रीय बल नहीं होता जिसमें न्यूक्लियॉन जो है चक्कर लगाए, बल्कि क्या होते हैं, ये जो न्यूक्लियॉन होते हैं ये आपस में एक सभी पे थोड़ा थोड़ा बल लगाते रहते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे, जैसे कि ये बल लगाएगा, ये भी यहाँ पे बल लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये सब क्या होते रहते हैं, बल लगाते हैं, मतलब एक माध्य बल लगता है, ऐसा समझ सकते हो। किसी भी एक पर्टिकुलर न्यूक्लियॉन के बारे में बात करें ना, इसके बारे में बात करें तो इस पर सभी जो न्यूक्लियॉन है वो थोड़ा थोड़ा बल लगाते रहेंगे, उसके जो पास पास के जो न्यूक्लियॉन है इसके बारे में बात करें, ठीक है, दूर के तो नहीं लगाते, पास के जो न्यूक्लियॉन है वो उस पर एक बल लगाते रहते हैं, उसी बल के आधार पर ही यहाँ पे ये स्थित रहता है, उसी पर ही यहाँ पे व्यवस्थित जमा रहता है, ठीक है। तो इसी कारण से ये जो बल है ये स्वतंत्र रूप से यहाँ पे गति करता है, ठीक है, जैसे इसमें केंद्रीय बल में गति कर रहा था इलेक्ट्रॉन, वैसे यहाँ पे नहीं होता, ये क्या होता है, स्वतंत्र रूप से गति करता है, माध्य जो माध्य बल रहता है उसके कारण से, ठीक है। इसीलिए इसको स्वतंत्र कण मॉडल भी बोला जाता है, स्वतंत्र कण मॉडल, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पार्टिकल मॉडल। तो यदि मान लो सेल मॉडल के जगह में इंडिपेंडेंट पार्टिकल मॉडल लिख दिया, तो ये कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि ये क्या आ गया, ठीक है। एक ओस मॉडल को ही क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट पार्टिकल मॉडल भी बोला जाता है, हिंदी में स्वतंत्र कण मॉडल भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। तो देखो अब क्या होता है, न्यूक्लियॉन स्वतंत्र रूप से मान लो गति कर रहा है, तो ज़रूर उसकी कोई ना कोई क्या होगी, यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक है। थोड़ा सा अब इसको समझते जाना, पॉइंट को यदि समझ में नहीं आएगा तो आगे थोड़ा और समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा समझने की कोशिश करो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहे हैं, जो न्यूक्लियॉन है स्वतंत्र रूप से यहाँ पे गति करते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई एक सेंट्रल बल तो लग नहीं रहा है, माध्य बल लग रहा है, मतलब सभी कोई न्यूक्लियॉन आपस में बल लगा रहे हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो इसीलिए जो ये नाभिक है, ये जो न्यूक्लियॉन है या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या है, ये क्या होते रहते हैं, स्वतंत्र रूप से यहाँ पे गति करते रहते हैं, इसीलिए उसकी क्या होगी, कुछ ना कुछ स्थितिज ऊर्जा होगी। अब स्थितिज ऊर्जा होगी तो क्या होगा, तो उसका जो एनर्जी लेवल है वो भी कुछ निश्चित होगा, ठीक है। मतलब इस जो न्यूक्लियॉन है इसका कुछ ना कुछ एनर्जी लेवल होगा, ठीक है, अनुमत ऊर्जा स्तर होगा। तो जैसे इसके बारे में बात करें तो इसका कुछ एनर्जी लेवल होगा, ठीक है, अगर इसका बारे में बात करें तो इसका भी कुछ एनर्जी लेवल होगा। तो इस प्रकार से अलग अलग स्थितिज ऊर्जा के नाम से वहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे यहाँ पे एनर्जी लेवल पाए जाते हैं, जिसको किससे डिनोट करते हैं, तो एन से डिनोट करते हैं। अब एन क्या है, तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जैसे परमाणु में होता है वैसे यहाँ पे भी क्या होगा, नाभिक में भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा। तो अब यहाँ पे समझ में आ गया, यहाँ पे एन है, अब एन के करेस्पॉन्डिंग क्या होगा, वहाँ पे एल भी होगा। तो एल क्या है, तो इसको बोलते हैं ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, मतलब ये जैसे कोस हो गया, तो ये क्या रहेगा, कोस की संगत में क्या रहेगा, उपकोस भी रहेंगे, क्योंकि देखो एन का जो मान है वो एक नहीं होता, वो जैसे मान लो ज़्यादा है, जैसे कि पाँच है, ठीक है, तो पाँच है तो उसके लिए एल का बहुत सारे मान हो जाते हैं, तो जो कोस रहता है ना पाँचवा नंबर का जो कोस रहेगा, ये बहुत सारे उपकोस में बढ़ जाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा एटॉमिक में, बहुत सारे उपकोष में यहाँ पे बढ़ जाते हैं, तो इसे पाँच है तो इसके संगत में कितना रहेगा, पाँच चार तीन दो एक जीरो, इस टाइप से रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अंतर क्या रहता है, परमाणु में हम क्या करते हैं, पूरा पूरा सभी को लेते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नाभिक में क्या करेंगे, पूरा पूरा सभी को नहीं लेते, एल का जो मान है वो सिर्फ, जैसे ये पाँच क्या है, अपना यू ऑड है, विषम है, ठीक है, तो इसमें जो एल का मान रहेगा वो सिर्फ सिर्फ विषम वाले को ही लेंगे, जैसे कि अपना पाँच तीन वन, इसको बस लेंगे, ठीक है। और जैसे कि मान लो, जैसे कि n का मान तीन रहता, तो यहाँ पे क्या होता, तीन एक ये आता, अपना तीन दो एक जीरो ये आता, तो इसमें क्या करते, सिर्फ ये भी क्या है, ऑड है, तो इसमें हम लोग l का जो मान है वो सिर्फ ऑड वाले को ही लेते, तीन और वन को लेते। मान लो जैसे कि n का मान दो है, तो उसके करस्पॉन्डिंग l का मान क्या होगा, जीरो वन और टू, तो L का मान क्या हो गया, जीरो वन टू हो गया। तो जैसे टू क्या है, इवन है, तो जो L का मान है इवन वाले बस को लेंगे, ठीक है, तो इवन में ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इस प्रकार जो कोस रहते हैं वो भी क्या रहते हैं, और बहुत सारे उपकोस में बटे रहते हैं। अब यहाँ तक समझ में आ गया, L भी यहाँ पे समझ में आ रहा है। अब L के बाद क्या होता है, जो L है ये भी अलग अलग ऊर्जा लेवल में बटे रहते हैं। तो कैसे, तो यहाँ पे देखो जो L है ना ये दो लेवल में बटे रहेंगे, जैसे मैं बता देता हूँ थोड़ा सा,
इसको बताएंगे अच्छे से, थोड़ा टेबल बना के ही बताएंगे पूरा अच्छे से, पूरे यहाँ पे पूरा टेबल बनेगा, वहाँ पे पूरा एक एक चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा ओवरव्यू समझ लो कैसे कैसे बनेगा। तो जैसे एन के रिस्पेक्ट में क्या हुआ, एल आया, ठीक है, एन के रिस्पेक्ट में क्या आया, एल आया। अभी एल जो है फिर से दो लेवल में बटा रहता है, ठीक है, एल माइनस हाफ में और एल प्लस हाफ में। इसको हम लोग इसको बोलते हैं जे और इसको भी बोलेंगे जे, ठीक है। मतलब जो एल है वो जे लेवल में अलग अलग बटा रहता है। तो जैसे ये क्या हो गया, ये कोस हो गया, और एल क्या हो गया, उप कोस हो गया। अब उप कोस के संगत में ऊर्जा लेवल बनेंगे, तो ठीक है, इसको बोलेंगे दो ऊर्जा लेवल में यहाँ पे बट गया, एल प्लस वन, एल प्लस हाफ में और एल माइनस हाफ में, ठीक है। तो इसको बोलेंगे उप ऊर्जा स्तर, उप ऊर्जा स्तर। तो दो, मैं ये बोल सकता हूँ कि जो यहाँ पे उप कोस है इसका जो ऊर्जा है, ऊर्जा स्तर है, वो दो उप ऊर्जा स्तर में बट गया, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, उप ऊर्जा स्तर, उप ऊर्जा स्तर, ठीक है। पहला कौन सा, एल प्लस हाफ में और दूसरा एल माइनस हाफ में। अब होता क्या है, जो हम लोग कोस मॉडल पढ़ रहे हैं उसमें ये होता है कि जैसे कि देखो कोई भी एक संख्या ले लो, जैसे कि एन इक्वल टू टू ही ले लो, नहीं टू मत लो, एन इक्वल टू वन ले लो, ठीक है। तो उसके रिस्पेक्ट में क्या रहेगा, एल का वैल्यू आएगा, ठीक है। उसके रिस्पेक्ट में फिर जे का वैल्यू आएगा, जिसमें एल प्लस हाफ वाला वैल्यू आएगा, एल माइनस हाफ वाला वैल्यू आएगा। तो अब क्या होगा, ये जो दो, अब इसके करस्पॉन्डिंग में एक एनर्जी लेवल प्राप्त होगा और इसके करस्पॉन्डिंग में भी एक एनर्जी लेवल प्राप्त होगा। तो ये जो एनर्जी लेवल है इसके बीच में जो डिफरेंस रहता है इसका भी मान कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो यदि ये जो डिफरेंस है ये कम है तब तो सही है, तब तो वहाँ पर क्या होगा, ये जो है अपना ऊपर में आएगा। जैसे इस इन दोनों के जो बीच में जो डिफरेंस है एनर्जी का वो मान लो कम है, ठीक है, तो ये जो है ऊपर में रहेगा एनर्जी लेवल, अब ये जो है नीचे में रहता है, ये होता है। लेकिन ये कहाँ पे लागू होता है, जब n का मान जब दो रहेगा ना, n का मान जब दो रहता है तभी बस ये लागू होता है, ये वाला रूल कि इसका मान कम आता है। लेकिन यदि n का मान दो से अधिक हो गया, n का मान मान लो तीन हो गया या फिर चार हो गया या पाँच हो गया छः हो गया, तब क्या होता है, उस कंडीशन में इसका मान भी बहुत ज़्यादा अंतर में आता है। मतलब l प्लस हाफ का मान जैसे कि 9/2 आ गया और l माइनस हाफ का मान 1/2 आ गया, तो इन दोनों के बीच में देखो बहुत ज़्यादा गैप आ गया। मतलब 9/2 और 1/2 में कितना अंतर आ गया, समझ लो 9 में से एक जाएगा तो 8/2, मतलब 4 का अंतर आ गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो ऊर्जा लेवल जो बनेंगे ना वो क्या होता है, जैसे कम वाले के लिए मान लो 1/2 आया और ज़्यादा वाले के लिए 9/2 आया, ठीक है। एल प्लस हाफ नीचे रहता है, एल माइनस हाफ ऊपर में रहता है, तो इन दोनों के बीच में अब क्या हो गया, गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया तब क्या होता है, यहाँ पे जो आना रहता है ना, नीचे में बनना रहता है, ये नीचे में ना बनकर एक और नीचे चले जाता है। समझ में आया, नहीं आया होगा मैं मालूम है, लेकिन जब हम लोग एनर्जी लेवल बनाएंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। बस यहाँ पे अभी इसको थोड़ा समझ सकते हो कि कैसे नीचे क्यों आता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो ऊर्जा का जो अंतराल है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए अपने अपने जो लेवल रहता है उससे नीचे खिसक कर एक स्तर और नीचे आ जाता है। तो इसीलिए जैसे कि ये मान लो n इक्वल टू 3 के लिए निकाल रहे हैं ना, n इक्वल टू 3 में नीचे आएगा क्योंकि n इक्वल टू 2 से ज़्यादा में आता है, ठीक है। n इक्वल टू 2 रहेगा तो नहीं आता, n इक्वल टू 2 रहेगा तो उसी लेवल में ही आता है, n इक्वल टू 3 रहेगा ना तब नीचे आ जाता है। जैसे n इक्वल टू 3 हो गया, n इक्वल टू के लिए फिर यहाँ पे भी ऊर्जा स्तर बनेंगे, ठीक है, और ये n इक्वल टू 3 के लिए हो गया, तो यहाँ पे जो 3 के लिए यहाँ पे जो आना था ना, ये यहाँ पे ना आके ये नीचे आ जाता है, n इक्वल टू 2 में आ जाता है, n माइनस 1 वाले लेवल में आ जाता है, तो यहाँ पे ना आके अब यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे फिर ये कोलैप्स कर जाते हैं, ठीक है। तो यही बात हम लोग आगे देखेंगे अभी पूरा कंटिन्यू निकाल के, लेकिन यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आई होप थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ ही गया होगा। तो अब क्या करेंगे, पर्टिकुलर हम लोग यहाँ पे हम लोग एक टेबल बनाएंगे जिसमें n रहेगा, उसके करस्पॉन्डिंग में l का वैल्यू रहेगा, उसके करस्पॉन्डिंग में j का वैल्यू रहेगा। j क्या है, n कोस हो गया, एल क्या है, उप कोस हो गया, जे जो है उप ऊर्जा स्तर हो गया। एल के रिस्पेक्ट में ऊर्जा स्तर प्राप्त होंगे, जो ऊर्जा स्तर है वो भी दो लेवल में बटा रहता है, उप ऊर्जा स्तर लेवल में, ठीक है, जिसमें से एल प्लस हाफ रहेगा और एल माइनस हाफ रहता है, ऐसा ऐसा, ठीक है। अब उसके करस्पॉन्डिंग में हमको वहाँ पे एनर्जी लेवल प्राप्त होते हैं, तो वो भी कैसे प्राप्त होंगे, यदि n इक्वल टू 3 है मतलब 2 से ज़्यादा है तो वो एक स्थान नीचे खिसक जाता है, यदि मान लो n इक्वल टू 2 है तो वो अपने जगह पे ही रहेगा, ठीक है। तो देखेंगे अभी कैसे खिसकता है नीचे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, अब बनाएंगे टेबल। उससे पहले एक बात और बता दूँ, जैसे जे का कोई भी वैल्यू है ना, मान लो जे का वैल्यू 1/2 है, तो इसके लिए जो न्यूक्लियनों की संख्या होती है वो 2j+1 होती है। क्या होती है, 2j+1 होती है, 2j+1 होती है, मतलब जैसे कि j इक्वल टू हाफ है तो यहाँ पे हाफ रखोगे तो कितना आ जाएगा,
टू और टू कटेगा, वन प्लस वन कितना हो गया टू, तो मतलब जे इक्वल टू हाफ के लिए जो न्यूक्लियनों की संख्या होती है वो कितनी होती है, दो होती है। ठीक है, मान लो जे इक्वल टू फाइव बाई टू है, तो फाइव बाई टू है तो कितना हो जाएगा टू इंटू फाइव बाई टू प्लस वन, टू और टू कट जाएगा पाँच और एक कितना हो जाएगा छः, तो यहाँ पर न्यूक्लियनों की संख्या कितनी हो जाएगी, सिक्स हो जाएगी। ठीक, तो ये आप लोग को बाद में समझ में आएगा क्या है चीज़। अब पूरा टेबल बनाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, देखो अब टेबल बनाते हैं। टेबल में देखो सबसे पहले मैं क्या कर दिया, एन लिख दिया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एल लिख दिया, एल क्या है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, उसके बाद उसके करस्पॉन्डिंग जे जे रहेगा, जे एल प्लस माइनस एल प्लस हाफ रहेगा और एल माइनस हाफ रहेगा, जिसमें एल प्लस हाफ वाला नीचे रहता है और एल माइनस हाफ वाला ऊपर उसका लेवल बनेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद टू जे प्लस वन में बता दिया वही कि जे का जो वैल्यू रहेगा उसके रिस्पॉन्डिंग जो निकलानों की संख्या है वो यहाँ पे आते जाएंगे। अब उस करिस्पॉन्डिंग एन के रिस्पेक्ट में कुल कितने न्यूक्लियन की संख्या हो गया वो यहाँ पे आते जाएगा। ठीक है, तो वो ये दोनों टेबल जो है बाद में बनेगा, पहले यहाँ पे इसको थोड़ा समझते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, तो देखो एकदम इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। तो मैं यहाँ पे पहले पूरा नीचे तक बना देता हूँ। ठीक है, देखो इसको जरूरी नहीं है आप लोग एग्जाम के दृष्टि से ही पढ़ो। ठीक है, इसको थोड़ा सा ना अपने समझने की दृष्टि से भी पढ़ सकते हो, आगे फर्दर जो एमएससी आएगा उसमें तो इसको पढ़ना ही पड़ेगा, तो स्किप तो कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं एन का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। तो एन का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एन इक्वल टू जीरो के लिए। तो देखो इसमें एन इक्वल टू जीरो ना नीचे बनेगा, वन उसके ऊपर बनेगा, क्योंकि देखो एन इक्वल टू जीरो के लिए जो ऊर्जा स्तर आएगा वो सबसे नीचे सबसे कम ऊर्जा स्तर आएगा। ठीक है, इसलिए वो नीचे बनेगा। उसके बाद वन के लिए थोड़ा ज़्यादा आएगा तो वो ऊपर बनते जाएगा। ठीक है, सब ऊपर बनते जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं एन इक्वल टू जीरो के लिए लेते हैं। तो एन इक्वल टू मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जीरो जीरो ले लिया। अब बताओ एन इक्वल टू जीरो है तो उसके करिस्पॉन्डिंग एल का मान क्या आएगा। तो मैंने क्या बताया था, एल का मान कैसे लेते हैं, जो एन का वैल्यू रहेगा वो सम है तो एल का भी सम वैल्यू लेंगे, और यदि एन इक्वल टू विषम है तो एल का भी विषम वैल्यू लेंगे। लेकिन यहाँ पे एन इक्वल टू जीरो है, तो एन इक्वल टू जीरो है तो उसके करिस्पॉन्डिंग एल तो एक ही वैल्यू आएगा, कौन सा, तो उसके लिए भी क्या आएगा, जीरो आएगा। मैं बताया ना एल कैसे लेते हैं, एल कैसे लेंगे, जो भी एन का वैल्यू रहेगा, एन जैसे एन इक्वल टू दो है तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो वन और टू हो जाएगा। एन इक्वल टू मान लो फोर है तो एल इक्वल टू जीरो वन टू थ्री एंड फोर, इस टाइप से आएगा। ठीक है, तो इसमें जैसे कि एन इक्वल टू फोर सम है तो इसमें सिर्फ सम वैल्यू बस को लेंगे, जीरो टू और फोर इस टाइप से। तो अभी एन इक्वल टू जीरो है तो जीरो के लिए जीरो ही वैल्यू आएगा। ठीक है, तो अभी जीरो के लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो ले लिए, क्या ले लिए, एल इक्वल टू जीरो ले लिए। अब बताओ मैं क्या बताया, जे का वैल्यू निकालना है, तो जे का वैल्यू कैसे निकालेंगे, एल प्लस हाफ और एल माइनस हाफ। तो बताओ एल प्लस हाफ निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, यहीं पे निकाल देते हैं। ठीक है, रफ कार्य यहीं पे कर लेते हैं, तो एल प्लस हाफ और एल माइनस हाफ, जिसमें प्लस वाला नीचे बनता है, प्लस वाला नीचे बनेगा और माइनस वाला ऊपर बनेगा। तो देखो यहाँ पे एल का मान में जीरो रखूंगा तो क्या होगा, माइनस हाफ आएगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा, प्लस हाफ आएगा। तो यहाँ पे मतलब इंटीजर इसको लो, पूर्णांक में लो, तो ये 1/2 मतलब एक ही लेवल आ रहा है, न ज़्यादा आ रहा है न कम आ रहा है। तो साइन तो ऊपर नीचे मतलब ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा उसके लिए डिनोट करने के लिए है, बाकी वैल्यू कितना आ रहा है 1/2 एक ही ऊर्जा स्तर आएगा। तो यहाँ पे मैं अब बताओ, अब यहाँ पे इसके लिए ऊर्जा स्तर बनाऊँगा तो कैसे बन जाएगा, एक ही ऊर्जा स्तर आ रहा है तो एक ही बस यहाँ पे लाइन बन जाएगा, समझ में आया। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि क्या लिखूँगा, 1/2, क्योंकि इसके लिए जो जे का वैल्यू आया है 1/2 आया है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके लिए जो न्यूक्लियन की संख्या है वो कितनी होगी। तो न्यूक्लियन की संख्या कैसे निकालते हैं, 2j+1, तो j का वैल्यू 1/2 आया, j का वैल्यू 1/2 यहाँ पे लिख देता हूँ ना, j इक्वल टू 1/2 ऐसे करके, तो आपको जल्दी याद होगा, तो 1/2 हो जाएगा। अब इसके लिए j 2j+1 का मान कितना हो जाएगा, 2j+1 का मान, तो यहाँ पे j की जगह में क्या रख देंगे, 1/2 रख देंगे, प्लस 1 रखेंगे, 2 और 2 कट जाएगा, 1+1 आएगा, मतलब कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसके लिए कितना आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, समझ में आ गया। तो ये जो है ना n इक्वल टू जीरो के लिए है। अब n इक्वल टू जीरो के लिए हो गया तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, पूरा ब्लॉक कर देता हूँ, मतलब n इक्वल टू जीरो के लिए सिर्फ एक ही लेवल आया। ठीक है, तो इसको मैं पूरा ब्लॉक कर देता हूँ, तो मैं इसको दूसरे रेड पेन से यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, कुछ इस टाइप से। अब बात करते हैं n इक्वल टू 1 रहेगा तब क्या होगा। तो n इक्वल टू 1 रहेगा तो फिर देखो कैसे बनेगा, n इक्वल टू इसको मिटा देते हैं, n इक्वल टू 1 रहेगा तो यहाँ पे मैं 1 लिख दूंगा। ठीक है, अब n इक्वल टू 1 के रिस्पेक्ट में l का वैल्यू क्या आएगा, तो मैं बताया l का वैल्यू क्या होता है,
वन और जीरो हो जाएगा, वन एन का वैल्यू वन है तो मतलब एन इक्वल टू वन है तो वन से ही स्टार्ट करो, फिर उसे कम करते आओ, ऐसा समझ सकते हो तो जल्दी समझ में आएगा। एन इक्वल टू वन है तो एन इक्वल टू वन है तो एल इक्वल टू वन जीरो, दो वैल्यू आएंगे ठीक है, एन इक्वल टू वन आएगा और जीरो आएगा। लेकिन मैं क्या बोला, एन का मान जो सम है तो एल का मान भी सम लेंगे, तो यहाँ पे एन क्या है वन है, वन क्या है विषम है, तो इसका सिर्फ विषम वैल्यू ही आएगा। देखो इसके रिस्पेक्ट में वन और जीरो आना था लेकिन हमको सिर्फ विषम बस लेना है, तो यहाँ पे विषम कौन सा है वन है, तो यहाँ पे सिर्फ अब क्या आ जाएगा विषम आ जाएगा, वन आ जाएगा बस। तो यहाँ पे समझ में आ गया। अब बताओ ये तो एल का वैल्यू आ गया, अब एल के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, जे का वैल्यू निकालेंगे। तो जे का वैल्यू कैसे निकलता है, एल प्लस हाफ और एल माइनस हाफ, जिसमें एल प्लस हाफ नीचे रहेगा एल माइनस हाफ ऊपर रहेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों का वैल्यू निकालते हैं, एल प्लस हाफ और एल माइनस हाफ। तो यहाँ पे निकाल के बताओ एल का मान क्या है, वन है तो वन प्लस वन अपन टू हो जाएगा, कितना आएगा थ्री बाई टू आएगा। यहाँ पे क्या होगा, एल का मान वन है तो वन माइनस हाफ हो जाएगा, तो कितना आएगा हाफ आएगा। मतलब इस बार क्या हुआ, जे का जो मान है वो दो वैल्यू आया, मतलब दो जो एक ऊर्जा स्तर था वो दो ऊर्जा स्तर में अब क्या होगा बट जाएगा ठीक है। तो देखो अब इसको हमको बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले मैं क्या बोला कि एल प्लस हाफ वाला नीचे आता है, एल माइनस हाफ वाला ऊपर आता है ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ इस टाइप से बनेगा, ये पहले एक ऊर्जा स्तर था, अब ये दो ऊर्जा स्तर में बट गया, तो ये पहला ऊर्जा स्तर, ये दूसरा ऊर्जा स्तर, जो कि ये कुछ इस टाइप से बनेगा ठीक है। पहला एक ऊर्जा स्तर था वो अब दो ऊर्जा स्तर में बट गया, जिसमें जो L प्लस हाफ वाला है वो नीचे आता है ठीक है, L माइनस हाफ वाला ऊपर आता है। तो L माइनस हाफ वाला ऊपर आएगा तो उसका मान कितना है, तो इसको J इक्वल टू हाफ लिख दो, और J यहाँ पे क्या होगा, J इक्वल टू थ्री बाई टू आएगा। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है ना ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, 2j प्लस 1 का वैल्यू निकालेंगे। तो 2j प्लस 1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो j की जगह में क्या रखेंगे 1 अपॉन 2 रखेंगे और प्लस 1 कर देंगे, तो 2 और 2 कटेगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 3 बाई 2 रखेंगे तो क्या होगा 2 2 कटेगा तो 3 और 1 4 हो जाएगा। तो इसके रिस्पेक्ट में कितना आया 2 आया, इसके रिस्पेक्ट में कितना आया 4 आया। तो यहाँ तक समझ में आ गया, उसको हम लोग बाद में देख लेंगे ठीक है, अभी यहाँ तक समझते जाओ। तो ये लाइन समझ में आ गया, तो ये किसके लिए था, n इक्वल टू जो वन है उसके लिए था, वो दो उप ऊर्जा स्तर में बट गया, तो n इक्वल टू वन के लिए भी हो गया। अब देखते जाओ आगे, अब देखो मैं टू के लिए बनाता हूँ ठीक है, इसको मैं रेड पेन से कर देता हूँ तो थोड़ा अंतर समझ में आ जाएगा ठीक है, कुछ इस टाइप से। अब बात करते हैं j इक्वल टू टू रखेंगे तब, तो देखो इसमें थोड़ा सा अलग आएगा, क्या अलग आएगा देखो, j इक्वल टू सॉरी n इक्वल टू मैं 2 रख दूँ तो 2 रखूँगा तो क्या होगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो l का मान है वो क्या होंगे, तो 2 से ही स्टार्ट करो कम करते आओ, जैसे 2 है तो l का मान क्या हो जाएगा 2 1 0 ठीक है, 2 से ही नीचे कम करते आओ 0 तक, तो 2 1 0 हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, इसमें मेरे को सिर्फ वही वैल्यू लेना है जो सम हो, क्योंकि n का वैल्यू जो सम है तो सम को लेना पड़ेगा, तो इसमें 2 सम है और 0 सम है। इस बार अब l का वैल्यू 2 आ गया, मतलब 2 ठो अलग अलग वैल्यू आ गया ठीक है, कौन कौन सा 2 आ गया 0 आ गया। तो अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन ये उत्पन्न होता है कि 2 को ऊपर लिखें कि 0 को ऊपर लिखें ठीक है, तो उसको मैं बताता हूँ अभी देख के। तो इसमें भी क्या करते हैं, जो भारी वाला रहेगा ना, मतलब जो ज़्यादा रहेगा उसको नीचे लेते हैं, जो हल्का वाला रहेगा उसको ऊपर लेते हैं। तो यहाँ पे अब करस्पॉन्डिंग एल का वैल्यू क्या होगा 2 होगा और यहाँ पे 0 होगा, ये समझ में आ गया ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब दो अलग अलग ऊर्जा स्तर आ गए, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो उप ऊर्जा स्तर है वो भी अलग अलग आएंगे ठीक है, तो मतलब जे का वैल्यू भी अलग अलग आएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, इसके लिए जे का वैल्यू क्या निकलेगा, एल प्लस हाफ और एल माइनस हाफ। तो L का वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 प्लस हाफ मतलब कितना हो गया, 2 दूनी 4 एक 5 बट्टा 2 हो गया, तो L प्लस हाफ का मान 5 बट्टा 2 आ गया। और इसके रिस्पेक्ट में क्या आ गया 2 है, 2 में से 1 बट्टा 2 जाएगा तो कितना होगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बट्टा 2 ठीक है। एक मिनट मैं देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं, पता चल रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ, हो रहा है ठीक है। तो देखो कई बार क्या होता है, मैं रिकॉर्डिंग करते रहता हूँ और ऑटोमेटिक मोबाइल गर्म होकर बंद हो जाता है या फिर चार्जिंग वगैरह में कुछ दिक्कत हो जाती है तो वो फिर चले जाता है पता है। अब मैं क्या है, फ्लो पढ़ाते रहता हूँ, पता नहीं चलता कि इसमें रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लास्ट टाइम देखता हूँ तो फिर रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था, दोबारा करना पड़ जाता है ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बता रहा था मैं, 5 बाई 2 आएगा और 3 बाई 2 आएगा, तो 5 बाई 2 मैं क्या बोला, एल प्लस हाफ वाला नीचे रहता है, तो ये अभी 2 के रिस्पेक्ट में बना रहे हैं ना, तो 2 के रिस्पेक्ट में क्या हुआ, फिर से दो लेवल में बट गया, ये पहला ये दूसरा ठीक है। ये वाला कौन सा है, j इक्वल टू 5 बाई 2 है, और ये वाला कौन सा है, j इक्वल टू 3 बाई 2 है, तो ये 2 के रिस्पेक्ट में हो गया।
अब बात करते हैं जीरो के रिस्पेक्ट में, तो जीरो के भी रिस्पेक्ट में बात कर लेते हैं। तो जीरो के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो कितना उसके लिए आता है, एक ही लेवल आता है, क्योंकि क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो एल प्लस हाफ और एल माइनस हाफ रहेगा, तो इसको जीरो रखेंगे तो क्या होगा, जीरो प्लस हाफ और जीरो माइनस हाफ, तो वही वन बाई टू ही आएगा, इसमें भी वन अपॉइंट टू ही आएगा, ठीक है। तो वन अपॉइंट टू जैसे यहाँ से भी देख सकते हो, जीरो के लिए यहाँ पे वन अपॉइंट टू आया था ना, वैसे इसके लिए भी आ जाएगा। तो जीरो के लिए इसको थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं, ठीक है, ताकि क्लैश मत करे। तो ये जीरो हो गया, तो जीरो के लिए क्या होगा, ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा, समझ में आया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपॉइंट टू हो जाएगा। तो इसके लिए आप टोटल कितना वैल्यू आ गया, तीन ऊर्जा स्तर आ गया n इक्वल टू टू के करस्पॉन्डिंग, इसको थोड़ा हाँ बीच में बना लो, ठीक है। n इक्वल टू टू के करस्पॉन्डिंग तीन ऊर्जा स्तर आ गए, तीन उप ऊर्जा स्तर आ गए, ऊर्जा स्तर तो ये वाला है, ये उप ऊर्जा स्तर है। तो अब इसके करस्पॉन्डिंग में हम लोग 2j प्लस वन का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो बताओ क्या हो जाएगा 2j प्लस वन वैल्यू। तो यहाँ पे 5 बाई टू है, तो कितना हो जाएगा, दो और दो कटेगा तो पाँच एक छः आ जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखते हैं जल्दी जल्दी से, हर चीज़ को कैलकुलेशन करने पर टाइम बहुत जाएगा। यहाँ पे तीन बटा दो है तो तीन और एक कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। यहाँ पे वन अपॉइंट टू है तो वन अपॉइंट टू वन और वन टू हो जाएगा। तो यहां पे कितना कितना आया, दो आया, चार आया, छह आया, समझ में आ गया। तो ये हो गया n इक्वल टू टू के रिस्पेक्ट में। अब बात करते हैं n इक्वल टू थ्री के रिस्पेक्ट में, n इक्वल टू थ्री के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, उससे पहले इसको थोड़ा क्लोज कर लेते हैं। तो ये क्लोज हो गया। अब बात करते हैं n इक्वल टू थ्री के लिए, तो देखो इसके लिए भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आएगा। अब यहाँ से जो मैं कॉन्सेप्ट बताया था स्टार्टिंग में कोस मॉडल वाला, वो लागू हो जाएगा। क्या लागू होगा कि मैं क्या बताया था, यदि n इक्वल टू दो है तो वहाँ तक तो सेम उसी लेवल में ही बनेगा, लेकिन यदि n इक्वल टू दो से ज़्यादा चले जाते हैं, n इक्वल टू थ्री फोर फाइव में चले जाते हैं, तो जो वहाँ पे ऊर्जा स्तर जो गैप बनता है ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो क्या होता है एक ऊर्जा स्तर नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर वो लागू होगा, कैसे होगा देखते हैं, ठीक है। तो n इक्वल टू थ्री मैं यहाँ पर रख दिया, n इक्वल टू थ्री के रिस्पेक्ट में एल का मान क्या आएगा, तीन आएगा, दो आएगा, एक आएगा, जीरो आएगा, लेकिन अपन को क्या लेना है, सिर्फ ये विषम है तो हमको विषम वाले वैल्यू ही लेना है। तो विषम वैल्यू कौन सा हो जाएगा, तीन हो जाएगा, एक हो जाएगा, जिसमें से तीन नीचे आएगा और वन ऊपर आएगा, क्योंकि भारी वाला नीचे आता है, ठीक है। तो तीन के रिस्पेक्ट में अब जे का वैल्यू कौन कौन से आएंगे, तो निकाल के देख लो, जे का वैल्यू क्या हो जाएगा, तीन धन एक बट्टा दो और तीन ऋण एक बट्टा दो, ये कितना हो जाएगा, तीन दुनी छः एक सात बट्टा दो, और यहाँ पे तीन दुनी छः और एक कम होगा तो पाँच बट्टा दो, तो इसके लिए दो वैल्यू आ गया। तो अब देखो यहाँ पे इसके लिए मैं बनाऊँगा, तो ये पहला था, ये दो लेवल में बढ़ गया, ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे से बनाते हैं यहाँ पे। तो ये पहला और ये दूसरा, तो ये क्या हो गया, एक लेवल हो गया, अब यहाँ पे दूसरा लेवल हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, j इक्वल टू सेवन बाई टू और j इक्वल टू थ्री बाई टू सॉरी फाइव बाई टू, ठीक है। और अब बात करते हैं वन के लिए, तो वन के लिए फिर से वैसे दो लेवल में बटेगा, तो डायरेक्ट आप बार बार करने की जरूरत नहीं है, आप लोग को पता है वन के लिए कितना होता है, ये दोनों वैल्यू होता है, सेम इसके लिए भी आएगा, तो ये डायरेक्ट इसकी बना दो। तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस टाइप से, ये ऐसा फिर ये ऐसा, यहाँ पे क्या होगा, j इक्वल टू थ्री बाई टू आता था और यहाँ पे j इक्वल टू क्या आता था, वन अपॉइंट टू आता था। लेकिन अगर ऐसा बनाते हैं तो आप लोग एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे ऊपर में कौन सा लेवल आ रहा है, j इक्वल टू वन अपॉइंट टू आ रहा है, और सबसे नीचे में कौन सा आ रहा है, j इक्वल टू सेवन बाई टू आ रहा है। तो वन अपॉइंट टू और सेवन बाई टू, इन दोनों में जब हम लोग ऊर्जा का अंतराल निकालेंगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा अंतर है, मतलब कितना का अंतर है, सात में से एक जाएगा तो छः, छः बटा दो मतलब तीन का अंतर है। लेकिन इतना अंतर का जब ऊर्जा में अंतराल आता है, तो ये जो ऊर्जा लेवल है ना नीचे वाला, ये क्या होता है, यहाँ पे न रह के एक स्तर n माइनस वन वाले स्तर में नीचे आ जाता है। n माइनस वन वाले मतलब n का मान तीन है तो n माइनस वन कितना हो जाएगा, दो, ठीक है, मतलब दो वाले ऊर्जा स्तर में नीचे आ जाता है। तो ये अब यहाँ ना बनकर कहाँ पे बनेगा, नीचे बनता है, तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, j इक्वल टू सेवन बाई टू हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा ऐसा बना देता हूँ, ठीक है, डैश डैश करके, जिससे थोड़ा समझ में आ जाए कि ये अलग है। तो ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है, एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, ठीक है, या फिर इसको ना ऐसे ही रहने दो, मतलब पूरा पूरा लाइन ही रहने दो, ठीक है, ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे ना हम लोग एक चीज़ और कर सकते हैं अंतर समझने के लिए, क्या कर सकते हो, रेड पेन से ही मैं अंतर निकाल देता हूँ इसमें, इस टाइप से, ये ठीक। तो अब ये समझ में आ रहा है ना कि ये जो उप ऊर्जा स्तर था वो नीचे आ गया है, ठीक है, तो इस टाइप से ये नीचे आ जाता है। अब बात करें n इक्वल टू आगे बढ़ते हैं और
तो उसके लिए भी देख ही लेते हैं क्या होता है। एन इक्वल टू, अब बात करते हैं फोर के लिए, मेरे पास जगह तो है नहीं, इसी में ही एडजस्ट करना पड़ेगा, बाकी फोर के लिए, फाइव के लिए, सिक्स के लिए आगे भी और बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको उसका जो मैं आपको नोट्स है वो मैं दे ही दूंगा, उसमें तो पूरा बना रहेगा, लेकिन अभी समझाने के लिए चार तक समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये क्लोज़ हो जाएगा, तो क्लोज़ होने के लिए मैं इसी पेन का यूज़ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब क्या कर दिया, इसको क्लोज़ कर दिया कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो देखो अब बात करते हैं एन इक्वल टू फोर लास्ट और देख लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा पूरा। तो एन इक्वल टू फोर के लिए एल का मान कितना आएगा, फोर आएगा, थ्री आएगा, टू आएगा, वन आएगा, जीरो आएगा, लेकिन अपन को क्या लेना है, सिर्फ सम वाले बस को लेना है। तो इसमें सम कौन सा है, चार है, दो है और शून्य है, ठीक है। तो चार वाला नीचे आएगा क्योंकि सबसे भारी यही है, फिर दो, फिर जीरो। तो चार के रिस्पेक्ट में अब कौन सा वैल्यू आएगा, तो आप लोग को पता है चार के रिस्पेक्ट में एल प्लस हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, चार दूनी आठ, एक नौ बटा दो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऐसा बटेगा, तो ये स्टेप से आएगा और यहाँ पे ये स्टेप से आएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, j इक्वल टू नाइन बाई टू और j इक्वल टू सेवन बाई टू। और इसी प्रकार टू के लिए भी करेंगे तो क्या होगा, टू के लिए भी दो लेवल में बटेगा, कौन कौन सा, तो आपको पता है दो के लिए कौन कौन सा बैठता है, तो j इक्वल टू फाइव में बैठता है और j इक्वल टू थ्री बाई टू में बैठता है। और उसके बाद जीरो के लिए ये भी, ये तो एक ही लाइन में चले जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके लिए क्या होता है, एक ही लाइन जाता है। तो जे इक्वल टू ये हो गया वन अपॉइंट टू। तो अब यहाँ पे भी देखो, जे इक्वल टू हाफ सबसे ऊपर में है और जे इक्वल टू नाइन बाई टू नीचे में है, तो ये तो इसका अंतर तो और बहुत ज़्यादा हो गया, इसके अंतर से भी बहुत ज़्यादा अंतर हो गया। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये जो लेवल है ये इसमें ना रहकर एन माइनस वन वाले जो ऊर्जा स्तर है उसमें आ जाता है। देखो एन माइनस वन मतलब चार है, चार से एक कम तीन में, तो तीन में आकर ये नीचे इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ ताकि आप लोग समझ सको, तो ये अपना इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। तो ये जो लेवल है ना, ये यहाँ पर ना आकर अब ये नीचे आ जाता है कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो इस टाइप से क्या होते जाता है, जो भी ऊर्जा लेवल है वो नीचे आते जाता है, ये हमको यहाँ पर समझना था मेन। तो यहाँ पे थोड़ा समय और इसको बना देता हूँ इस टाइप से, ठीक है। अब उसके स्पेक्ट्रम में थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके स्पेक्ट्रम में क्या है, पाँच बटा दो है, उसके नीचे में सेवन बाई टू, तो सेवन बाई टू के लिए टू जे प्लस वन का मान कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा, और इसके लिए कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, थ्री बाई टू के लिए फोर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या था, वन अपॉइंट टू, वन अपॉइंट टू इसके लिए था ना, तो वन अपॉइंट टू के लिए टू हो जाएगा, और नाइन बाई टू के लिए कितना हो जाएगा, टेन हो जाएगा, उसके बाद सेवन बाई टू के लिए एट हो जाएगा। इसका मान बता रहे हैं ना, टू जे प्लस वन का, ये मैं डायरेक्ट कैसे लिख रहा हूँ, तो आप लोग कैलकुलेशन करके देख सकते हो, जे की जगह हम नाइन बाई टू रखोगे, टू टू कटेगा तो नौ में से एक जुड़ जाएगा तो दस हो जाएगा, इस टाइप से रखते जा रहा हूँ, ठीक है। और इसके लिए फाइव बाई टू के लिए सिक्स हो जाएगा, थ्री बाई टू के लिए फोर हो जाएगा, वन अपॉइंट टू के लिए टू हो जाएगा, तो इस टाइप से आगे बढ़ते जाता है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, मेन इसमें समझना यही था कि ये जो ऊर्जा स्तर है ये नीचे आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो ऊर्जा का अंतराल है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। उस अगर n इक्वल टू टू है ना, तो टू तक में ऊर्जा का जो अंतराल है कम रहता है, एक बटा दो है, पाँच बटा दो है, मतलब ज़्यादा अंतर नहीं है, दो ही बस का अंतर है, तो इसलिए यहाँ पे नीचे नहीं आता, लेकिन इसमें तीन का अंतर आ जाता है इसलिए नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं जो कुल निकलने की संख्या है वो अभी कॉलम को एक बार देख लेते हैं। तो देखो क्या होगा उसके लिए बात करेंगे, तो जो भी हम लोग अलग अलग कोर्स लिए हैं उसमें कुल निकलानों की संख्या कितनी है उसको बस वहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो देखो इसमें कितना था, n इक्वल टू जीरो के लिए दो ही था, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, दो ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुल निकलानों की संख्या कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी, तो डायरेक्ट मैं इसको लिख दिया। अब यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर एन इक्वल टू वन कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, टोटल कितने जो निकलियन है वो आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं ना, इलेक्ट्रॉन परमाणु होता है, यहाँ पर निकलियन, तो यहाँ पे दो और चार, मतलब टोटल कितने आ सकते हैं, तो इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो छः आ सकते हैं। तो बताओ अब यहाँ पे कुल न्यूक्लियनों की संख्या कितनी हो जाएगी, पहले में दो था, यहाँ पे कितना आ गया, छः और आ गया, तो दो धन छः कर दो तो कितना हो गया, आठ हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसमें कितने न्यूक्लियन हैं टोटल, तो इसको जोड़ दो आप लोग, तो कितना हो गया, छः चार दस तो बारह, ठीक है, तो ये हो जाएगा बारह। अब बताओ टोटल एन इक्वल टू टू के लिए कितना हो जाएगा कुल न्यूक्लियनों की संख्या, तो देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल न्यूक्लियनों की संख्या, तो पहले था दो था, उसके बाद छः था, फिर अभी बारह और आ गया, तो अब बताओ टोटल कितना हो जाएगा, बारह छः अट्ठारह और ये दो बीस, तो एन इक्वल टू टू तक में कितना न्यूक्लियन की संख्या आ गया, तो पहला वाले में जीरो में दो था, वन वाले में आठ था और टू वाले में बीस आ गया, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो उससे पहले ये क्या है, एक अलग सेपरेट बन गया है। अब यहाँ तक तो ठीक है, n इक्वल टू टू के लिए ये आ गया था, उसके बाद जो n इक्वल टू थ्री का जो लास्ट लेवल था ये नीचे आ गया था, ठीक है। तो नीचे आ गया तो ये अलग से जुड़ेगा, अलग से जुड़ेगा तो क्या कितना हो जाएगा, तो पहले दो था,
ठीक है, इसमें दो, फिर छः, फिर 12 और फिर 8, तो 2 + 6 + 8 + 8, सॉरी यहाँ पे 12 ना, यहाँ पे 12 था ये वाला में, अभी 8 और जुड़ गया, तो बताओ अब कितना हो जाएगा, तो 12 और ये 8 20 हो जाएगा, 20 और 6 26 और 2 ये 28, तो यहाँ पे कितना न्यूक्लियॉन आ गया, 28 हो गया। तो अब बात करते हैं ये वाला के लिए, n इक्वल टू 3 के लिए, तो बताओ यहाँ पे n इक्वल टू 3 के लिए बात करेंगे तो क्या होगा, ये पूरा पूरा जुड़ जाएगा सब, तो कितना होगा 10 और ये 10 और ये 10 कितना हो गया 20 और ये 2 22, तो यहाँ पे टोटल न्यूक्लियॉनों की संख्या कितनी है 22 है। अब इसके लिए बताओ पूरा कुल न्यूक्लियॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी सभी के लिए जोड़ेंगे, तो यहाँ पे पहले तक 28 हो गया था, 28 में 22 और जोड़ दो, ठीक है चलो पूरा लिख देते हैं, 2 + 6 + 12 + 8 और अभी अभी कौन सा आया 22 अभी आया, तो यहाँ पे सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, दो देखो जोड़ो तो 22 हो गया और यहाँ तक तो 28 था, तो 28 और 22 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया कुल न्यूक्लियॉनों की संख्या 50 आ गया। ठीक है, आप एक लास्ट और देख लेते हैं फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, तो उसमें कितना जोड़ना है और इसको जोड़ना है, ठीक है तो ये 8 कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे इतना नहीं आएगा, इसके ऊपर में और जो लेवल बनेंगे ना n इक्वल टू 5 के लिए, उसके लिए यहाँ पे जो ऊर्जा इस तरह रहेगा वो फिर आगे नीचे आ जाएगा, तो इसमें और आ जाएगा, ठीक है तो और आएगा तो फिर उसमें इसकी संख्या बढ़ जाएगी, फिर यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, तो अभी हम लोग और ऊपर बनाना पड़ता फिर समझ में आता। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा क्या कुल न्यूक्लियॉनों की संख्या कितनी आ रही है, तो सबसे पहले 2 आ रही है, फिर 8 आ रही है, फिर 20 आ रही है, फिर 28 आ रही है, फिर 50 आ रही है, इसके बाद हम लोग और आगे करेंगे ना, तो इसमें कितना आएगा पता है, इसमें 82 आएगा, तो ये मेरे कैसे पता चला, तो आप लोग एक चीज़ नोटिस करो कि जो भी संख्या आ रही है देखो ये सब मैजिक नंबर आ रहे हैं, 2, 8, 20, 28, 50, 82, इसके बाद और ऊपर रहता ना तो 126 आता, तो यही हमारा क्या है मैजिक नंबर है। तो देखो तो कुल जो न्यूक्लियॉनों की संख्या आ रही है वो कितना आ रही है, इन्हीं मैजिक नंबर के बराबर में आ रही है, समझ में आया, ठीक है यही है ना, 2, 8, 20, 28 फिर 50 फिर 82 उसके ऊपर और रहता तो 126 भी आता, ठीक है तो जो भी यहाँ पे नंबर आ रही है कुल न्यूक्लियॉनों की संख्या विभिन्न कोश के लिए, कोश 0, कोश 1, 2, 3, 4, कोश 0 के लिए 2 आ रही है, कोश 1 के लिए 8 आ रही है, 2 के लिए 20 आ रही है, 3 के लिए 50 आ रही है, 4 के लिए 82 आ रही है, ठीक है तो यही हमारा क्या था जो मैजिक नंबर था उसी के ही बराबर में आ रही है, तो इसीलिए ये जो नाभिक हैं ये सबसे ज़्यादा स्थायी होते हैं वहाँ पे, क्योंकि इनके लिए जो कोश के जो कंप्लीट कोर्स कब बनाते हैं, जब इतने पूरा न्यूक्लियॉन कंप्लीट हो जाते हैं तब वो पूरा पूरा कंप्लीट हो जाते हैं, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा स्थायी होता है, जैसे उसमें होता है परमाणु में 2, 8, 18, 32 ऐसे करके पढ़े होंगे तब वो पूरा पूरा कंप्लीट बन जाता है, वैसे यहाँ पे जब न्यूक्लियॉनों की संख्या 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 ऐसा होगा ना तभी वो जो नाभिक बनेगा वो पूरा पूरा स्थायी होगा, पूरा पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है इसीलिए वो सबसे ज़्यादा स्थायी होता है और इसीलिए उसको मैजिक नंबर भी बोला जाता है, मैजिक नंबर बोल सकते हो या तो स्थायी तो संख्या भी बोल सकते हो, ठीक है तो ये पूरा कंप्लीट हो गया कोश मॉडल, आप आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद एक दो पॉइंट और छोटा सा रह गया, इस कोश मॉडल की सफलता और उसका असफलता, तो मैं बता देता हूँ जल्दी से, सफलता क्या थी, ये जो कोश मॉडल था ना इसके द्वारा काफ़ी कुछ का यहाँ पे वर्णन किया जा सकता है, इसके सफल व्याख्या यहाँ पे, मतलब कोश मॉडल को एक सक्सेसफुल मॉडल माना जा सकता है, कंप्लीट सक्सेसफुल तो नहीं माना जा सकता लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ के बारे में नाभिक के बारे में यहाँ पे जानकारी प्राप्त हो गई थी उन लोग को, ठीक है तो इसको इसमें सफलता में क्या बोल सकते हो, तो कोश मॉडल के द्वारा हम लोग बीटा क्षय को बता सकते हैं, जो समावयता होता है आइसोमेरिज्म, ठीक है उसको बता सकते हैं, उसके बाद जो चुंबकीय आघूर्ण होता है मैग्नेटिक मोमेंट वो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो कोश मॉडल के अकॉर्डिंग, ठीक है ये आप लोग एमएससी में करोगे या फिर जो आईआईटी एग्जाम या फिर जो नेट गेट का जो एग्जाम होता है ना उसमें आता है, ठीक है 4 नंबर 5 नंबर में आता है चुंबकीय आघूर्ण गणना करने के लिए, ठीक है तो आप लोग उसमें पढ़ोगे, यहाँ पे इतना बस समझ लो कि इसकी कैलकुलेशन करने के लिए ये सफलता में आती है, ठीक है और उसके अलावा और जो मैं देख के बताता हूँ इस सफलता में और कौन कौन सा था, इसमें फिर अपना कोडी संवेग भी गणना कर सकते हो और बहुत सारे जो ऊर्जा स्तर है उसके व्याख्या भी यहाँ पे सफलपूर्वक किया जा सका, ठीक है तो ये कोश मॉडल की कुछ कुछ यहाँ पे सफलताएं थी। और असफलता की बात करें तो असफलता कौन कौन सी थी, तो देखो जो ये कोश मॉडल है ना इससे हम लोग यदि एन का मान, एन मतलब प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन का मान मान लो सम है, ठीक है जैसे कि कोई भी नाभिक हो गया, जैसे कि अपना जैसे कि बात करें मान लो ऐसा कोई नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या भी सम है, जैसे कि अपना 20 है प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या भी 20 है, तो इसके लिए हम लोग जो कोश मॉडल है ये सफलपूर्वक व्याख्या नहीं कर पाता, उसके लिए फिर जो भी वैल्यू कैलकुलेट करना है ना वो यहाँ पे नहीं कर पाता, तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। दूसरा चीज़ क्या था,
तो जो कोस मॉडल था इसके द्वारा हम लोग नाभिकीय विखंडन को व्याख्या नहीं कर पाते थे, मतलब नाभिकीय जो विखंडन होता है वो कोस मॉडल के द्वारा व्याख्या नहीं कर पाया था, ये दूसरा इसका असफलता था। तीसरा असफलता क्या था, तो जैसे जो द्रव्यमान संख्या ए है उसका मान 152 से ज़्यादा है, ठीक है, एक बार देख लेता हूँ, 150 से ज़्यादा है और 180 से कम है, और ए का मान यदि 220 से भी ज़्यादा है, ठीक है, कौन कौन सा, 150 से ज़्यादा लेकिन 180 से कम और इनके बीच में रहेगा तब, और 220 से मान लो ज़्यादा है, तो उसके लिए जो कोस मॉडल है वो सफलपूर्वक व्याख्या नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक ड्रॉबैक था। उसके बाद एक ड्रॉबैक ये भी था कि कुछ ऐसे विशेष प्रकार के जो नाभिक थे जिनके लिए कोणीय संवेग या फिर जो चुंबकीय आघूर्ण है उसका व्याख्या ये मॉडल नहीं कर पाया, ठीक है, कुछ ऐसे जो नाभिक थे उनके लिए चुंबकीय आघूर्ण का व्याख्या नहीं कर पाया। तो बस यही बस इसका ड्रॉबैक था, बाकी मेन इसमें सफलता ही ज़्यादा प्राप्त हुई थी और इससे काफ़ी कुछ नाभिक के बारे में समझा जा सका, ठीक है। इसी के बाद ही फिर अपना लिक्विड ड्रॉप मॉडल आएगा, उसके बाद में और बहुत सारे मॉडल वहाँ पे आते गए, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया कोस मॉडल, आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आई होप मेरे ख्याल से इसको समझाने का पूरा मैं कोशिश किया हूँ, और इसका नोट्स भी मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा तो आप लोग उसमें ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और ज्वाइन नहीं हो गए तो क्या करोगे, जो मेरा जो क्या बोलते हैं उसको, जो लास्ट में जो अबाउट वाला जो पार्ट रहता है ना चैनल के, उसमें टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है, उसमें आप लोग रिक्वेस्ट भेजना, वहाँ पर मैं ज्वाइन कर दूंगा। और उसके अलावा यदि आप लोग को वो नहीं मिला तो जो मेरा नंबर रहता है थंबनेल में 9617785311, ठीक है, ये वाला जो नंबर रहता है ना इसमें भी आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हो व्हाट्सअप में या टेलीग्राम में, ऐड कर दो करके फिर मैं वहाँ पे ऐड कर दूँगा, वहाँ से फिर आप लोग नोट्स वगैरह ले सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया कोर्स मॉडल, आई होप आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू, बाय बाय।